सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। दबाकर गांव में एक किसान ने आत्महत्या कर ली सर, क्या वजह रही सर, क्या मामला है पूरा सर? वहाँ पे अभी हम धवाकर गांव गए थे और वहाँ पे उनके परिवार जनों से जो चीज़ पता चली तो उन्होंने बताया कि उनके दो पुत्र एक पुत्री थी और एक पुत्र उनका दिल्ली में ही मजदूरी करते हैं और ये भी अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ से आए हुए थे और इसके साथ साथ में उनकी पुत्री के एक साल का बच्चा था जो अभी परसों डेथ हुआ है, उसका इलाज चल रहा था तो उसका भी उनको जो है गम था। इसके साथ साथ में उन्होंने कुछ रकम जो है कुछ लोगों से ले रखी थी उसकी वो जो परिवारजनों से पता चली है और इसमें अभी हम उनका पोस्टमार्टम वगैरह सारी चीज़ें करवा करके जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता चीज़ें हैं उसको हम करवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरिराम। हरिराम, आप मेरे तक कौन है? भाई है। भाई है। क्या घटना हुई है इनके साथ? सर जी बाहर थे, बाहर से आए तो पैदल आए हैं और थोड़ा पैसा था उनका कर्ज। कितना कर्ज था? कर्ज उनके 1,00,000 रुपए किसान कार्ड था और 3,00,000 रुपए गांव के थे। अच्छा, गांव के लोग। हाँ। अच्छा, किस लिए कर्ज लिया था? भतीजी जी की शादी करी थी। किसकी? भतीजी की, लड़की की। लड़की की। अच्छा, यहाँ कब आए थे वो? उनको 10 दिन हो गए जी। 10-15 दिन हो गए। हाँ। अच्छा, तो क्या समस्या हो गई थी फिर यहाँ? अब पता नहीं साहब ने रात के क्या किया है। अच्छा, कितने बजे फांसी लगा ली? कोई पता नहीं? कोई पता नहीं। हम लोग जानकारी कैसे होगी? सुबह देखा सारे उठे हम लोग, फिर देखा तो वहाँ फांसी लगा रखी सारे, हम लोग को पता ही नहीं है कितनी बजे लगा रखी उन्होंने। सूचना दे दिया? पुलिस को सूचना दी। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हैं आप लोग? अब सर आप लोग, क्या नाम है आप? शिव नारायण सिंह परिहार। शिव नारायण सिंह जी, आप किसान नेता हैं जी। ये बताइए, आप अभी जो घटनाएं हुई हैं इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारा तो यही कहना है कि कोरोना महामारी लॉकडाउन में ये बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश का फंसा किसान मजदूर आज बदहाली के चलते आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी एक हफ्ते के अंदर 2 किसान मजदूरों ने आत्महत्या की है। आज भी जो घटना धवाकर गांव की है, जिस किसान ने 45 वर्षीय किसान ने आत्महत्या की है, ये बेचारा किसान का 90,000 का केसीसी है और लगभग 4-5 लाख साहूकारों का कर्ज है। ये अभी दिल्ली से लौटा था लखनऊ, लखनऊ से ये पैदल अपने मऊरानीपुर गांव आया था धवाकर, और 2-4 दिन से ये पता नहीं कर्ज चुकाने की टेंशन में इसने रात में फांसी लगा कर आत्महत्या कर ली। हमारी मांग है योगी सरकार से कि पहले तो किसानों का कर्ज माफ़ करे और तत्काल इस पीड़ित परिजन को कम से कम 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, ये हमारी मांग है। क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, ये क्या घटना हुई है? पिताजी फांसी लगा ली पापा ने। कब लगाई है फांसी? शाम को। कल शाम को। वजह क्या है फांसी लगाने की? एक कर्जा की। कर्जा? कितना कर्जा था? ये होगा 4-5 लाख रुपए। 4-5 लाख रुपए। अच्छा, क्या करते थे आपके पिताजी? मजदूरी। मजदूरी कहाँ पे थे? दिल्ली। दिल्ली में। कब आए थे दिल्ली से? 10-12 दिन हुए हैं। अच्छा, और यहाँ पे मतलब क्या समस्या हो गई इन्हें फांसी लगाने की? कर्जा की टेंशन है सर। कर्जे की टेंशन है? कर्जा किस लिए हो गया था? शादी की थी बहन की। बहन की शादी की थी। पुलिस को सूचना दी? दी। पुलिस अभी आई है कि नहीं आई? अभी नहीं आई। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।